गया है यहाँ पर। और ये देखिए माधक का टेम्पल, वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हो एच पी राइड चैनल। और ये देख सकते हैं आप सब्जी मार्केट का आज के ब्लॉग में सब्जी से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज जा रहे हैं हम माधक, और जो सब्जी से अराउंड 20 किलोमीटर है, और आपको इस राइड पे आपको कच्चा पक्के रोड में जाना पड़ना, आधा रोड कच्चा मिलेगा आपको और आधा पक्का रोड, और चलते आगे को आज की राइड में। मैं अपनी आज की राइड में हमारे को कच्चे रोड में भी राइड करना पड़ना, और अभी हम सोगी के एंड पॉइंट पे हैं, और यहाँ से जाते हैं हम ऊपर वाले रोड पे, जो नीचे का रोड था वो शिमला के लिए था, और ये रोड आगे जाके मिलेगा ढाली। और आज की राइड में होंगे मेरे साथ आशीष भाई और रमेश भाई, और मैं अपनी स्कूटी आज यहीं सोगी में छोड़ दूंगा पर बिरबरदमोर, और हम जाएंगे आशीष भाई की स्कूटी पे, और चलते आगे को। और अभी मैं सोगी से थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, और देख सकते हैं मैं अभी सोगी के बॉडी के पास पहुँच चुका हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग बॉडी से आगे का व्यू है, बहुत ही मस्त है, और जो ऊपर पहाड़ पे है उधर है तार देवी टेम्पल, और चलते आगे को। आज जा रहे हैं हम माधक को, आपने नाम तो सुना ही होगा, माधक सातपुर से ठीक ऊपर को है, आप लोग कंडाघाट से भी आ सकते हैं माधक को, और हम जा रहे हैं सोगी से, और अभी पहुंच चुके हैं हम पुली के पास, और यहां से दो रास्ते मिल जाएंगे आपको, और हम जा रहे राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड रोड गया है वो ढाली के लिए, और हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड, और ये रोड आगे जाके मिलेगा गोरखनाव कनेची और साधबुल निकलेगा ये रोड, पर इस रोड में अगर यहाँ से साधबुल जाओगे ना आपको ज़्यादा कच्चे रोड का सामना करना पड़ना, तो अगर साधबुल जान जाते हो तो आप लोग अनंतपुर से अंदर को जा सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं वीरबरदमोर, और हम जा रहे हैं आज तो माधक, और माधक यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, और यहाँ से रोड बहुत बढ़िया मिल जाएगा आपको 6 किलोमीटर, और उसके बाद आपको कच्चा रोड का भी सामना करना पड़ना इस राइड पे। वहाँ पर एक टेंपल भी है, और देखते हैं जरा आगे को रोड कैसी, रोड की हालत क्या है, और कैसी कैसी व्यू आती रहेगी आप देखते रहना, और चलते हैं आगे को, और वीडियो बने रहे। और आज ना हमारा एकदम से मूड बना, ऐसे जाने का प्लान कोई था ही नहीं, और अभी एकदम से बना, रमेश भाई ने बोला कि चलते माधक को, और तो एकदम से हम भी ऐसे फ्री थे, आज स्कूटी का काम किया था आशीष भाई ने रूम पे ही, और हमने सोचा क्यों ना थोड़ा आज घूमना लिया जाए, और आज संडे, और संडे राइड में निकल चुके हैं, और अभी के टाइम हो चुके 3, और ये हमारे रमेश भाई आ जाओ आगे, कहाँ झाड़ियों से आ रही है, और देखिए यहाँ पर बड़ी बसें भी आने लग गई है अब। वाह, और देख सकते हैं यहाँ पर ये बस फुल पूरे रोड में, मतलब पूरा पूरा रोड पे आ रहा है, यहाँ पर स्कूटी के लिए भी जगह नहीं मिली, अभी गाड़ी आती तो पता नहीं किया होता, और एक और बस आ गई, महाराज महाराज भाई जे बस से आने लग गया, अगर थोड़ा रोड छोटा पड़ने लग गया हमारे को क्यों। और आज मौसम पूरा एक और आ रही है, यूपी से आई है बस गाइस, देखिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, ये रोड आगे जाके मिलेगा आपको साधपुर कनेची साइड, और देखिए कुत्ते, हेलो मेरे को जानता नहीं है, ये कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। और यहाँ पर बैंड देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक बैंड है, और ये आगे का जो व्यू दिख रहे हैं ना, ये मतलब माधक के आसपास के पहाड़ दिख रहे हैं, तो
ऊपर से यहाँ से व्यू दिखाता हूँ जरा आपको। और ये जो जितना भी दिख रहा है ना, ये गोरखनाओं का विलेज है। और जो आरोन होटल रिजॉर्ट है वो इधर बना हुआ है यहाँ जैसे बीच सेंटर पे। अभी आगे ये रोड वहीं जाके मिलेगा और हमने वहाँ से आगे जाना है। और फिर रमेश भाई अभी आते होंगे और ये हमारे आशीष भाई और इनकी बिल्लो रानी है आशीष भाई की, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही शानदार। और हमारे रमेश भाई भी आ चुके हैं और देखिए फुल मस्ती। ओहो, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। चले आशीष भाई। यहाँ पर देखिए गाइस, रोड का हालत ना थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैं जहाँ तक बोलूँ मैं। और हमारे यहाँ राइडर आगे निकल चुके हैं इसी के साथ फ्लाइंग किस करते हुए। और देख सकते हैं आगे अकेले चले हो और हम दो है और वो एंड डोर पे है। क्यों मौसम तो बहुत ही एकदम मस्त मौसम है, बादल है और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। क्यों और बारिश होने की हालत में भी है इस साइड। क्या मतलब इसका इसका ये हम भी ना जाए रहा वहाँ पर जाके, देखते जरा क्या होता है कि कनाओ 2.5 की। और देख सकते हैं हम फाइनली अभी एंटर कर चुके हैं गोरखनाओं के विलेज, यहाँ से स्टार्ट होती है। और देखिए गोरो, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ गाइस वहाँ तक। मैंने नाम बहुत सुना है पर बैन था आज जो वो भी पूरा हो ही जाएगा जाने का मकसद। अभी हम एंटर कर चुके हैं आरोहन रिजॉर्ट और हाँ यहाँ पे गाइस जो अभी रिजॉर्ट ओपन हुआ है कुछ ही महीने पहले हुआ, देख सकते हैं आरोहन रिजॉर्ट का व्यू यहाँ पर। You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy, I know it's infatuation. You know I feel inside, you know what is real and I rock with your vibe, but I don't think that we should tie. और देखिए यहाँ पर कनेची का रोड का हालत ऐसा देखने को मिलेगा आपको। से बस आती है ना यहाँ तक आती है, इससे आगे बस नहीं जाती है। और हमारे राइडर पहुंच चुके आगे, तो अभी हम पहुंच चुके हैं औरी और आगे से दो रास्ते मिल जाएंगे। जो राइट हैंड साइड रास्ता है वो है मादक के लिए और जो लेफ्ट हैंड साइड से गया हुआ रास्ता है वो सादबुल के लिए। वहाँ से ऊपर को चलते हैं, जो नीचे को रोड गया ना ये सादबुल के लिए गया है रोड, हम जा रहे हैं मादक को। और देखिए मादक यहाँ से जाते हैं, जो फ्रेंड जो नीचे का रोड था ना वो सादबुल यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर है। और सादबुल तो आपको पता होगा जो गंडाड सादबुल से फिर 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है और वहाँ से आप चायल भी जा सकते हो। और देखिए कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है अब कि सारा जंगल में आग लगा हुआ है, आग के कारण देखिए यहाँ का कोई भी पेड़ पौधा जिंदा नहीं बचा हुआ। खतरनाक ही रोड है गाइस, आज फर्स्ट टाइम करना पड़ा मेरे को इतना
खतरनाक डेंजरस जगह पे जाने का। भाई 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 बहुत ही खतरनाक रोड है यहाँ पर। तो जान सही ऐसा रोड भी मिल जाएगा। फाइनली हम पहुँच चुके मादक, और देखिएगा यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा जुब्बड़, और यहाँ पर साथ में टेंपल भी है। और देखिए यहाँ पर ऐसा व्यू देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल शांत एरिया है यहाँ पर, चारों साइड जंगल ही जंगल। और देखिए वो कौन सा है वो? सो फ्रेंड, वो रोड का टिपा। चलते आगे को और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा है यहाँ का जंगल। और ये पार सामने देख सकते हैं आप लोग तुंदर, ये जो एरिया दिख रहा है ना तुंदर पे एरिया है गाइस, भी यहाँ पर तुंदर लगी हुई है, ये तुंदर है। और ठीक इसी साइड है चाइल्ड साइड है, और ये पार जितना एरिया दिख रहा है ना ये चाइल्ड का एरिया है। इस साइड को आपको देखने को मिल जाएगा जुनगा, जुनगा साइड इधर। ये देखिए जुनगा साइड आप, और ये देखिए माधक का टेंपल। और यहाँ का व्यू ना बहुत ही प्यारा है, एकदम शांत एरिया है यहाँ का, और चारों साइड से जंगलों से घिरा हुआ ऊपर टॉप पहाड़ पे बना हुआ टेंपल है यहाँ पर। और अभी हम सोलन ज़िले के सातबुल से ठीक ऊपर पहाड़ पे हैं, और देखिए यहाँ का पहाड़ ना बहुत ही मस्त जगह है गाइस, यहाँ पर आप लोग भी आ सकते हैं। और देखिए यहाँ का व्यू ना बहुत ही प्यारा है, मेरे फर्स्ट टाइम आया। और अभी के टाइम हो चुके 4 बजे, और देखिए अभी यहाँ पर धूप है, पर अभी हम जहाँ स्विगी से आए ना वहाँ का मौसम तो ख़राब था। और देखिए आगे का व्यू, ये तो देख ही लिया होगा कैसा लग रहा है आपको।